वेलकम टू द बायोग्राफी अड्डा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्टर कमाल राशिद खान की बायोग्राफी। तो आइए जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। कमाल राशिद खान का जन्म 20 मई 1960 को हुआ था, जो कि इंडियन फिल्म एक्टर और स्मॉल बॉलीवुड फिल्म्स के प्रोड्यूसर हैं। उन्हें के नाम से भी जाना जाता है। बात करें उनके फिल्म करियर की तो खान ने 2008 में फिल्म देशद्रोही से हिंदी फिल्मों की शुरुआत की। वह इस फिल्म में प्रोड्यूसर भी थे। वे एक विलन फिल्म में भी एक छोटे से रोल में दिखाई दिए थे। हिंदी फिल्म्स में अपनी शुरुआत से पहले उन्होंने भोजपुरी फिल्म मुन्ना पांडे बेरोजगार से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। हालांकि फिल्म्स में उनका एक्टिंग करियर सक्सेसफुल नहीं रहा और उन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना लक आजमाया। खान ने टेलीविजन करियर की शुरुआत इंडियन रियलिटी टीवी शो बिग बॉस सीजन 3 में की और खान एक मात्र ऐसे कंटेस्टेंट थे जिन्हें टाइम से पहले ही शो से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, खान का बिग बॉस के घर में दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ बिहेवियर अच्छा ना होने और कुछ विवादों के कारण उन्हें शो से निकाल दिया गया। कमाल अक्सर अपने विवादों के कारण सुर्खियों में रहे हैं। कभी वे बॉलीवुड मूवीज के ट्रेलर पर विवादित टिप्पणियां करते हैं तो कभी उनकी एक्टिंग पर बुरे कमेंट्स करते हैं। कई बार तो उन पर पुलिस केस भी हो चुके हैं। और कमाल ने एक बार यह भी ट्वीट किया था कि अगर नरेंद्र मोदी जी भारत में पीएम बने तो वे भारत छोड़ देंगे। हाल ही में केआरके ने एक ट्वीट में सुपरस्टार अक्षय कुमार को अपनी आगामी फिल्म लक्ष्मी बम के टाइटल के बारे में क्रिटिसाइज किया और कहा कि लक्ष्मी एक देवी है और अक्षय उनकी फिल्म लक्ष्मी बम द्वारा उनका मजाक उड़ा रहे हैं। जनता को उन्हें सबक सिखाने के लिए इसे बायकॉट करना चाहिए ताकि वह इस तरह की बड़ी भूल न करें। यहाँ देवी देवता की पूजा की जाती है, मजाक नहीं बनाया जाता। केआरके ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया कि अक्षय कुमार की फिल्म को बायकॉट किया जाना चाहिए क्योंकि फिल्म का टाइटल हिंदू देवी लक्ष्मी का मजाक उड़ा रहा है। और उन्होंने कुछ दिनों पहले बिग बॉस 14 के प्रोड्यूसर को भी एक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने बिग बॉस 14 के प्रोड्यूसर से शो को होस्ट बदलने के लिए मांग की। इसी तरह वे किसी न किसी ट्वीट को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इन्हें फिल्म क्रिटिक भी कहा जाता है। इनके पुराने विवादों की बात करें तो इन्होंने करण जौहर और अनुराग कश्यप के साथ भी ट्विटर पर अच्छी खासी बहस छेड़ी थी। फिल्म बॉम्बे वेलवेट के दौरान उन्होंने करण जौहर और अनुराग कश्यप से डायरेक्ट पंगा लेते हुए यह कहा था कि यह फिल्म बिल्कुल भी नहीं चलेगी और ये विवाद लंबा चला। दोस्तों हम आपको बता दें कि हाल ही में कमाल राशिद खान ने बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों को टैग करते हुए यह ट्वीट किया है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। इस ट्वीट में उन्होंने सलमान खान, करण जौहर, साजिद नडियाडवाला, अक्षय कुमार और आदित्य चोपड़ा को टैग किया है और कहा कि मैं सभी को बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने मुझे खत्म करने का प्लान बना लिया है। इस ट्वीट को वायरल करने के लिए उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह के साथ इंडिया टुडे और रिपब्लिक इंडिया जैसी न्यूज चैनल्स को भी टैग किया है। सोशल मीडिया पर अगर उनके फॉलोअर्स की बात करें तो उनके लगभग 52 लाख फॉलोअर्स हैं। अब देखते हैं उनका ये ट्वीट क्या हंगामा मचाता है। तो गाइज ये थी बॉलीवुड क्रिटिक एक्टर कमाल राशिद खान की लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।